तो सुगा इसे मंदिर के बाहर में आप लोग देख सकते हैं, भगवान जी खुद दर्शन दिए हैं। पंडित जी बताए, हम लोग जा रहे थे तो पंडित जी बोले कि इधर देख लो बोल के। देख सकते हैं गाइस, पंडित जी हम लोग को बुलाए और बताए कि ये सब भगवान का अवतार है, ऐसे बोल रहे थे। तो हम पे हैं और अंदर में दो शिवलिंग है, उसको भी दिखाते हैं। तो आइए गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नया ब्लॉग वीडियो में स्वागत करते हैं। और आप उन लोग आज जा रहे हैं छोटा नगरा ये भैया के साथ में। तो हम ऐसे ही चिल कर रहे थे घर में, तो भैया बोले कि चलते हैं आज छोटा नगरा घूम फिर के आते हैं। बोल रहे अच्छा अच्छा सीन है बोल रहे हैं भैया देखने के लिए। तो आप उन लोग यहाँ अभी नंदपुर पेट्रोल पंप के बगल में है, चेहरा उहरा धो लिए, पानी उनी डाल लिए, पेट्रोल तो हम लोग यहाँ नहीं डलवाए। तो अभी निकलते हैं इधर से छोटा नगरा में, बहुत ही अच्छा अच्छा सीन है, दिखाएंगे ब्लॉग में, बनिए रहिए। और आज का ब्लॉग पूरा खतरनाक होने वाला है। फ्रेंड्स, आप उन लोग निकल चुके हैं, ये रास्ता देख सकते हैं जगह चौंध, और आप उन लोग जा रहे हैं भैया के साथ में। तो हेलमेट लगा दिए, निकलते हैं गाइस। तो सो गाइस, ये हम लोग पहुंच चुके हैं दुरदुरिया पुल, बहुत ही फेमस पुल है। थोड़ा रुकते हैं और दिखाते हैं नजारा आप सबको भी, देखते हैं कैसे कैसे सीन सब है। इधर तो पूरा जबरदस्त, लेकिन पानी लाल लाल दिख रहा है गाइस, देख सकते हैं ये। और नीचे पुल बन रहा था, फिर वो पुल नहीं बना, फिर ये पुल बना पूरा ऊपर से। और इधर भी सीन देख सकते हैं आप लोग, पूरा जबरदस्त मजा आया देख के। तो निकलते हैं हम लोग इधर से, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही नजारा दिखाते जाएंगे गाइस। तो भैया जी का आइडिया से आज ब्लॉग बन रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा ब्लॉग में, बने रहिए, मजा आएगा गाइस। हम लोग अभी पहुंच गए हैं चिड़िया, ये इधर घुसता है चिड़िया माइंस, ये वेलकम मोनरपुर वन मीन्स चिड़िया बोल रहा है वहां पे। ये रास्ता में घुसते हैं चिड़िया और हम लोग को इधर जाना है छोटा नागरा। तो सो गाइस, निकलते हैं इधर से। फिलहाल लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ये जहां हम लोग आ रहे थे मंदिर में, ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम लोग पहुंच ही गए हैं। गाइस फाइनली हम लोग छोटा नागरा पहुंच चुके हैं, और इधर बहुत ही फेमस मंदिर है, और यहां दो दो शिवलिंग है, कहीं पे दो शिवलिंग एक साथ नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ है। तो चलिए आज दिखाते हैं आप लोग को भी। तो सो गाइस, ये रहा मंदिर का गेट, तो इसको खोलते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं नजारा कैसा है, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। आइए आइए गाइस, आइए आइए देखते हैं। तो सो गाइस, ये कुआं है मंदिर के बाहर में, कुआं है तो यहाँ बहुत ही झकास पानी है, पानी कितना है देखते हैं। और बहुत नीचे है, बहुत नीचे है गाइस, कम से कम कितना फीट होगा, 30-35 फीट नीचे नीचे पानी है, जो कि बरसात मौसम है, फिर भी यहाँ पानी का कमी है थोड़ा। तो देखते हैं इधर आइए। ये बजरंगबली, सो गाइस ये बजरंगबली बहुत ही ताकतवर सिक्स पैक वाला बजरंगबली जी, तो मेरा भी थोड़ा बहुत है। तो अभी इधर मेन मंदिर यहाँ देखते हैं गाइस। सो गाइस, आइए पंडित जी से भी मिलते हैं, यहाँ का निर्माण कैसे हुआ उसको देखते हैं, और अंदर में दो शिवलिंग है उसको भी दिखाते हैं। तो आइए गाइस। तो बस यहाँ का डिटेल बताइए पंडित जी पूरा विस्तार से। पंडित जी नमस्ते। हाँ बढ़िया है, बता दीजिए। और भक्त वृंद समस्त मोर सम्मानीय अतिथि एवं समस्त मान भक्त मान मोर आधिक अभिनंदन। ये जो आमर मंदिर, ये बहुत पुरातन मंदिर है, एभली मंदिर कि आम पृथ्वी पृष्ठ भितर आपण मैंने देखि थे डबल सिंगल शिवलिंग को मंदिर भितर देवालय स्थान ना, किंतु ये छोटनागरा मंदिर रे डबल शिवलिंग आपण मैंने देखिपर एवं एटी। ये मंदिर होची केते वर्षर मंदिर आम भी आमर भी अभिज्ञता ना, कि मते वर्तमान 52 वर्ष चली मो जानवर बहुत पुराणा लोक अच्छा वर्तमान मंदिर भितर कहवापी, किंतु ये मंदिर होची आमर प्राय 300 किंबा 400 वर्षर मंदिर। ये मंदिर बहु मान आगु आम कौन होता नागारा शब्द बाजुला, केन्दुझर राजा केन्दुझरगढ़ राजा पर्यंत शुभुला एवं मनोहरपुर पर्यंत शुभुला, वर्तमान से बाध्य मु भी शुणी ना, किंतु
दिने अचानक संध्या आरती करिवा टाइम रे गोटे शब्द से भली प्रकार आसला मु जानी प्रकृतर भगवान यही मंदिर रे अछंती एवं भगवान को बहुत शक्ति अछि मु दुई थर देखी माने नागदेवता को आमर दुर्गा पूजा सप्तमी पूजा दिन ये पूजा करी गली सबुआड़े पोछा करदेलापर से गोटे जगार शोचंती से जगह पोछा है ना सेमती शोचंती मोर गोटे नजर उपरको आसला मुझे देखी चश्मा पिंधिकी देख ला भगवान शोचंती पुणी तुम बेलपत्र क्षीर कदमी झुणा धूप दीप दे कि पूरा से दिन पूरा रे बहुत लोक भक्तवृंद भी देखी तापर भी दिने अचानक देखिली कौन दिन आमर रंजित यादव जी की जिला परिषद ठिया होती प्रथम दीप जाला भितर मुझ देखी भगवान को सीदिन दुई थर मो देखा भितर आई मंदिर बहुत पुराणा मंदिर बहुत यार मानने अच्छी यार शक्ति भी अच्छी बहुत इति कही मोर वक्तव्य शेष कर सो गाइस हमको तो ओडिया उतना अच्छा समझ में नहीं आता है तो हम उतना समझ नहीं पाए लेकिन भैया से पूछेंगे डिटेल में हिंदी से बताएंगे तो समझ में आएगा हमको। और इधर देख सकते हैं गाइस एक साथ दो दो शिवलिंग है जो तो सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग एक साथ दो दो शिवलिंग हम भी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं तो आप लोग को भी यहाँ से रूबरू करा रहे हैं ताकि आप लोग जाने ये मनोहरपुर से ये मंदिर कम से कम 32 किलोमीटर दूर में है गाइस तो आप लोग भी कभी आ सकते हैं। और पंडित जी तो थोड़ा बहुत बताए कि यहाँ शक्ति बहुत है इस मंदिर में शक्ति बहुत है बोल के बताए तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को देख के भी और हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं गाइस। ये मंदिर में साइड में बगल में एक देवता जी हम लोग का निकले हैं नाग देवता जी तो आप लोग को भी दिखा देते हैं ये रहे सेम टू सेम तो हम लोग को पंडित जी बताए कि इसको भी थोड़ा बता दीजिए लोगों को बोल के ये बताएं आप लोग को भी दिख रहा होगा गाइस। और पंडित जी हम लोग को बहुत कुछ अच्छा अच्छा जानकारी दिए यहाँ के बारे में आप लोग भी कभी ना कभी यहाँ आइए नहीं कि हैं तो हम लोग यहाँ से फिलहाल अभी निकलेंगे गाइस ये मंदिर फिर से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा आके हम लोग को और भैया को थैंक यू बोलना चाहते हैं हमको लेके आए इसके लिए। इधर और एक मंदिर है उसको भी आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं तो देखते हैं सामने पहुंच के। तो सो गाइस ये मंदिर के अंदर में नागरा है जो कि गांव का नाम ठू ये छोटा नागरा तो ये नागरा ठू आप लोग देख सकते हैं अंदर में ये नागरा ठू ही है तो अच्छा लगा देख के इधर इधर भी नागरा का पूजा वूजा करता है और ये बगल में रास्ता है गाइस तो आप उन लोग इधर से निकल रहे हैं पंडित जी भी आ रहे हैं देख सकते हैं ऐसे मंदिर के बाहर में आप लोग देख सकते हैं भगवान जी खुद दर्शन दिए हैं पंडित जी बताए हम लोग जा रहे थे तो पंडित जी बोले कि इधर देख लो बोल के ये आप लोग देख सकते हैं गाइस जूम करके दिखा दे रहे हैं देख सकते हैं गाइस पंडित जी हम लोग को बुलाए और बताए कि ये सब भगवान का अवतार है ऐसे बोल रहे थे तो हम लोग भी देख के डर गए उसे तो निकलते हैं गाइस चलो चलते हैं ना। सो गाइस रास्ता में ये बहुत ही खतरनाक चीज मिल गया आप लोग देख सकते हैं तो अच्छा लगा देख के इसलिए आप लोग को भी हम दिखा दिए मजा आया लेकिन इसको देख के कैसे चल रहा है देखिए गाइस